Yes, good afternoon, all of you. I am Mrs. Nazima. Before you to present English class of class 7th, the Angel of Peace. Let us begin this class. Before beginning that class, let me introduce myself to you. I am assistant teacher, B.P. Pujari, Government English Medium School of Excellence, Raipur. I welcome you all in this English class. Let us begin the lesson first. This lesson is about the angel of peace, shanti ki doot, jisse hum sab hi parichit hain. This is well known name and you all can recognize this picture. This is the picture of Mother Teresa. 1980 mein ne Bharat Ratn se नवाजा गया था. शी इज कॉल्ड लेडी ऑफ स्लम, सेंट ऑफ द गटर, एंजल ऑफ मर्सी, द जेंटल मदर. लेट अस सी द लेसन. हियर वी विल बी एक्वेंटेड विद मेनी न्यू वर्ड्स. दिस विल एड अवर वोकैबुलरी. लेट अस सी द लेसन. इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज मीरी एटमोसफियर ऑल अराउंड. ये क्रिसमस का समय था और चारों तरफ खुशनुमा माहौल था. मीरी, MERRY, मीरी. मीरी अ स्टेट ऑफ चीयरफुलनेस, फन, हैप्पीनेस. ऐसी अवस्था जो बहुत ही खुशनुमा हो और चारों तरफ हंसी खुशी का वातावरण हो. बट द चैरिटी होम विच यूज टू अरेंज क्रिसमस पार्टी एवरी ईयर फॉर द चिल्ड्रन वॉज पासिंग थ्रू अ स्टेट ऑफ क्राइसिस. लेकिन एक चैरिटी होम जो क्रिसमस पार्टी हर साल अरेंज करता था बच्चों के लिए, वो क्राइसिस की अवस्था से गुजर रहा था. बहुत डिफिकल्ट कंडीशन से गुजर रहा था. क्राइसिस मतलब होता है कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी. ऐसी अवस्था जब इंसान के पास कोई भी चीज़ सर्टेन ना हो, उसके पास मनी एक्सेट्रा, कई सारी चीज़ें ऐसी जो कि सेलिब्रेट करने के लिए ज़रूरी होती है, त्यौहार मनाने के लिए ज़रूरी होती है, जब उसका अता पता ना हो, तो ऐसी स्थिति क्राइसिस की स्थिति या डिफिकल्ट सिचुएशन कहलाती है या सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी कहलाती है. वैसी ही स्टेट थी उस चैरिटी होम की. वहाँ पर सब कुछ भी व्यवस्थित या कुछ भी सर्टेन नहीं था. इट सीम्ड दैट देयर वुड नॉट बी एनी पार्टी दैट ईयर. ऐसा लग रहा था कि इस साल कोई भी पार्टी नहीं होने वाली है. एंड द चिल्ड्रन वुड मिस द स्पेशल फूड. और बच्चों को स्पेशल खाना जो त्यौहार में मिलता है, बच्चे खाते हैं, एंजॉय करते हैं हम सभी, वो उन्हें नहीं मिलने वाला था ऑन दैट ओकेजन. देन सडनली अ पर्सन केम इन. तभी अचानक, सडनली अचानक ए पर्सन केम इन. एक व्यक्ति अंदर आया एंड हैंडेड ओवर एन एनवेलप टू मदर. और उसने मदर को एक एनवलप, एक लिफाफा हाथ में दिया. हैंडेड ओवर, हाथ में माँ को एक एनवलप लिफाफा उसने दिया. ही सेड, उसने कहा, दैट मदर कुड यूज द मनी द वे शी लाइक. उस तरीके से वो उस पैसे का इस्तेमाल कर सकती हैं जैसा वो चाहें. शी लाइक. देयर वर न्यू 100 रुपी नोट्स इन इट. उसमें 100 रुपए के नए नोट थे. And that year, और उस साल, the children had the best Christmas party. बच्चों को बहुत अच्छी क्रिसमस पार्टी मिली. इससे पहले जो उन्होंने क्रिसमस पार्टी की थी, उन सभी पार्टीज में ये पार्टी सबसे अच्छी हुई. Now, this happened most of the times. And at times, and at times and when the doorbell did not ring, mother was still able to collect money for that occasion. ऐसा अक्सर होता था कि दरवाजे की घंटी नहीं बजती थी, उसके बाद भी माँ हर ओकेजन के लिए माँ के पास पैसा हो जाता था. Her system of helping the poor was simplicity itself. उनका जो सिस्टम था गरीबों की मदद करने का सिस्टम था, वो
सादगी भरा था और सादगी से था। शी डिड वॉट वॉज पॉसिबल, वो करती थी जो कुछ हो सकता था। शी हैड नो आइडिया वेयर द मनी वुड कम फ्रॉम, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि पैसा कहाँ से आएगा। बट इफ अ प्रोजेक्ट वॉज नीडेड, लेकिन जब भी किसी प्रोजेक्ट की आवश्यकता होती, किसी काम को करने की आवश्यकता होती, शी वुड गो अहेड, वो आगे बढ़ती। सेड वन एडमायरर, उनके एक प्रशंसक ने ये कहा, उसने ये बताया कि माँ को के पास पैसे की कोई आने की कोई श्योरिटी नहीं होती थी कि कहाँ से आएगा, लेकिन अक्सर वो कोशिश करती थी और उनके पास पैसे का अरेंजमेंट हो जाता था, और वो बहुत ही सादगी भरी तरीके से किसी भी काम को करना पसंद करती थी। द मदर वी आर टॉकिंग अबाउट इज नन अदर देन मदर टेरेसा, हम जिन मदर की, जिन माँ की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बट लेकिन मदर टेरेसा हैं, हु इज नोन एज द लेडी ऑफ द स्लम्स, जिन्हें की झुग्गी झोपड़ी की देवी कहा जाता था। लेडी ऑफ द स्लम्स, द एंजल ऑफ मर्सी, और दया की, जिन्हें मूरत कहा जाता था, दया की देवी कहा जाता था। द सेंट ऑफ गटर्स, और उन नालियों का संत कहा जाता था जहां से लोग दूर दूर भागते हैं। द जेंटल मदर, एक बहुत ही जेंटल, बहुत ही कोमल माँ, एंड अदर सच नेम्स, और इन्हीं सारे नाम से उन्हें जाना जाता था। हर फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट अ होम फॉर द डिस्टिट्यूट, उनका सबसे पहला, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था वो था उन लोगों के लिए घर, उन डेस्टिट्यूट्स के लिए घर जिनके पास कोई पैसा, कोई खाना, कोई रहने की जगह ना हो, उनके लिए उन्होंने सबसे पहला घर बनाया। सिक, बीमारों के लिए, एंड डाइंग, और जो मर रहे थे, वॉज ओपन इन 1952। वो ऐसा घर, उनका जो मेजर प्रोजेक्ट था, उनका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, वो शुरू हुआ 1952 में। वेन शी सॉ एन ओल्ड वुमैन डाइंग ऑन द स्ट्रीट, जब उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत स्ट्रीट पे मर रही है, ईटन बाय रैट्स एंड एंट्स, जिसे चूहे और चींटियां खा रहे थे, शी पिक्ड हर अप, उन्होंने उसे उठाया, टुक हर टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले गए, एंड रिफ्यूज टू मूव फ्रॉम देयर, और वो वहां से हटने से तब तक उन्होंने मना किया, अंटिल शी वॉज एडमिटेड, जब तक कि उस मृतावस्था में उस बूढ़ी औरत को, जिसे कि चूहे और चीटियां काट रहे थे, उसे जब तक एडमिट नहीं कर लिया गया, वो वहां से नहीं हटी। देन शी वेंट टू द म्युनिसिपल अथॉरिटीज, उसके बाद वो म्युनिसिपल अथॉरिटीज के पास गई, एंड आस्क्ड फॉर अ शेल्टर, और उन्होंने एक शेल्टर की मांग की, वेयर द डाइंग पुअर कुड डाई इन डिग्निटी, जहां पर गरीब लोग जो मर रहे हैं वो इज्जत के साथ अपनी मौत पा सकें, इज्जत से अपना अंत देख सकें। ये कितना दर्दनाक है कि एक बूढ़े इंसान को जो इतना गरीब है कि इसके पास खाने और रहने के लिए नहीं है, उसे चूहे और चींटियां काटे मरने के समय। तो माँ इतनी निर्मल हृदय की थी कि उन्होंने इसके लिए प्रयास किया और उन्होंने एक शेल्टर की डिमांड की म्युनिसिपल अथॉरिटी से, और उन्होंने उन लोगों के लिए जो इस अवस्था में मर रहे हों, उनकी उनकी इज्जत के साथ उन्हें मृत्यु प्राप्त हो सके, इसके लिए उन्होंने एक शेल्टर होम की डिमांड म्युनिसिपल अथॉरिटी से की। शी वॉज प्रोवाइडेड अ प्लेस नियर द काली टेम्पल कोलकाता, उन्होंने उन्हें एक जगह दी गई, प्रोवाइड की गई, मतलब दी गई, ए प्लेस नियर द काली टेम्पल, काली मंदिर के पास कलकत्ता में उन्हें एक जगह दी गई। एंड द फॉलोइंग डेज शी एंड हर सिस्टर, और उसके बाद जितने दिनों में उन्होंने और उनकी साथी सिस्टर्स ने, एंड द डाइंग मूव्ड इन, और जितने भी लोग जो मृतावस्था को प्राप्त होने वाले थे या बहुत गंभीर बीमार थे, वो सब उसमें शिफ्ट हो गए, मूव हो गए। टुडे सम 150 पीपल, आज कुछ 150 लोग, मेनी सीरियसली इल, उनमें से कई सारे बहुत ही गंभीर बीमार एंड अनएक्सेप्टेबल, और जिन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता था एल्सवेयर, कहीं और, आर वॉश्ड, उन्हें धोया जाता है, फेड, खिलाया जाता है, एंड शेल्टर्ड, और उन्हें आसरा दिया जाता है इन दिस कोलकाता होम, इस कलकत्ता के घर में उन्हें आश्रय मिलता है, और इस घर का नाम निर्मल हृदय है। रिटर्निंग टू स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता, कोलकाता की स्ट्रीट पर लौटते हुए शी बिगैन, उन्होंने कहा, कलेक्टिंग चिल्ड्रन टू टीच देम हाइजीन, जब वो कलकत्ता लौटी तो उन्होंने शुरुआत की, बिगिन, बिगैन, बिगैन सेकेंड फॉर्म है, बिगिन का शुरुआत की,
शी बिगैन, उन्होंने शुरुआत की थी बच्चों को कलेक्ट करने की, बच्चों को जमा किया करती थी वो, किस लिए? टू टीच देम हाइजीन, ताकि उन्हें साफ सुथरा स्वच्छता को और साफ सफाई सिखा सकें। शी सॉट अ सेंटर फॉर वर्क, उन्होंने काम करने के लिए एक सेंटर की खोज करनी चाहिए। जब उन्हें एक परिवार ने, व्हेन अ फैमिली ऑफर्ड रूम ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ देयर लार्ज हाउस, जब एक परिवार ने उनके अपने बड़े घर के ऊपर का हिस्सा, टॉप छत का फ्लोर, जो टॉप फ्लोर है वो उन्हें दे दिया, तो माँ ने क्या किया? शी अपॉइंटेड सम असिस्टेंट, उन्होंने कुछ असिस्टेंट को अपॉइंट किया। इन इवेंचुअली 26 इन ऑल, धीरे धीरे करके वो 26 हो गए, हु फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटीज, जिन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी का केंद्र वहां स्थापित किया। नाउ देयर नंबर इज मोर देन 700, अब उनका उनकी संख्या 700 से अधिक हो चली थी। मोस्टली यंग इंडियंस, उनमें ज्यादातर युवा भारतीय लोग थे। शी लिव्ड अ सिंपल लाइफ, वो बहुत ही सरल जिंदगी जीती थी। ट्रेवल बाय सेकेंड क्लास, और सेकेंड क्लास में यात्रा करती थी ऑन ट्रेन। देखिए, ये वो हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, ये वो हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, और देखिए उनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि शी लिव्ड अ सिंपल लाइफ, वो बहुत ही साधारण जीवन जीती थी। ट्रेवल्ड बाय सेकेंड क्लास में चलती थी ऑन ट्रेन। गॉट डाउन ऑन हैंड्स एंड नीज, अपने हाथों और घुटनों के बल चल के स्क्रब फ्लोर्स फ्लोर्स पे, जमीन पे पोछा लगाती थी। शी चेरिश्ड सिंप्लिसिटी, वो अपनी सादगी को का आनंद लेती थी, सादगी से जीना पसंद करती थी। एंड वोर ए शॉल मोर डार्न्ड देन निटेड, और ऐसी शॉल पहनती थी जो जो डार्न मींस पैच, कपड़े का जिस पे पैच लगा के हम जिसे रिपेयर करते हैं ना, उस तरह की शॉल पहनती थी वो। मींस शी नेवर लाइक्ड द न्यू क्लोथ्स, एंड शी नेवर लाइक टू लिव इन पॉम्प एंड शो, शी जस्ट लव सिंप्लिसिटी। शी चेरिश सिंप्लिसिटी, शी वोर द शॉल विच वर मोर डार्न देन निटेड, वो ऐसी शॉल पहनती थी जो पैच लगी हुई होती थी, रिपेयर की हुई होती थी, पूरी तरीके से निटेड भी नहीं थी। शी सॉ इन द पुअर वॉट अदर ऑफन फेल टू सी, वो गरीबों में वो देखती थी जो अक्सर लोग देखना भूल जाते थे, नहीं देख पाते थे। हम जैसे लोग गरीबों की गरीबी, गरीबों का दुख नहीं देख पाते हैं, उन्होंने उतनी, उनके अंदर इतना ज्यादा, वो इतनी सोच से भरी हुई थी, वो इतनी, उनका हृदय इतना निर्मल था कि वो गरीबों का दुख देख पाती थी, और खासकर उन गरीबों का दुख देख पाती थी जिनका दुख अक्सर हम नहीं देख पाते हैं। देयर लोनलीनेस, वो उनका अकेलापन देख ले पाती थी, वो उनके ह्यूमर को, उनकी ऑनेस्टी को समझती थी, वो उनके करेज को, उनकी बहादुरी को समझती थी। मतलब वो गरीबों को, गरीबों के बहुत क्लोज थी, और उनकी भावनाओं को समझने के लिए बुरी तरीके से उन्हें समझती थी। आई एम एंशियस फॉर पीपल टू नो ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ पुअर, मैं लोगों को, मैं ये चाहती हूँ, वो ये कहती थी कि मैं ये चाहती हूँ कि लोग गरीबों की महानता को समझ सकें। आई एम एंशियस फॉर पीपल टू नो ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर, शी सेड। शी वंस वेंट टू अ हिंदू फैमिली, एक बार वो एक हिंदू परिवार में गई, विच हैड बीन स्टार्विंग, जो भूख से भूखा था। स्टार्विंग करना मतलब बहुत दिनों से भूखा होना, वो बहुत दिनों से भूखे थे, उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं था। वो ऐसे हिंदू परिवार में गई, एंड ब्रॉट देम राइस, और उनके लिए चावल लाई, टू द मुस्लिम फैमिली नेक्स्ट डोर। शी सेड दैट दे वर जस्ट एज हंग्री एज हर फैमिली। तो उन्होंने ये देखा कि जब वो उस परिवार के लिए, उस हिंदू परिवार के लिए चावल लाई, तो उस हिंदू परिवार की महिला ने अपने पड़ोसी को चावल बांट दिया, और उसने कहा कि वो भी मेरी ही तरह भूखे हैं जैसे कि मैं भूखी हूं। आई बिलीव वी नीड द पुअर एज मच एज दे नीड अस, उनका ये मानना था कि गरीब हमें, गरीबों की हमें उतनी ही जरूरत है जितनी कि उन्हें हमारी है। अब आप इस सेंटेंस को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब तक एक व्यक्ति किसी कमी को ना देखे, किसी परेशानी को ना देखे, वो आसानी को नहीं समझ सकता। वो जब जब हमारे पास कोई चीज होती है खाने पीने की, तो हमें उसका महत्व नहीं मालूम होता, लेकिन जब हमसे वो छिन जाती है, या बहुत दिन तक हम उसे नहीं खा पाते हैं किसी कारण से, तब हमें उस चीज की इम्पोर्टेंस का, उस वस्तु की महत्ता का पता चलता है। सेम
अगर हमारी सोसाइटी में डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल नहीं होंगे, अलग अलग स्टेटस के लोग नहीं होंगे, उनकी परेशानियां नहीं होंगी, तो हम देख के ये समझ ही नहीं पाएंगे कि किस तरह से हर वर्ग की अपनी अपनी समस्याएं हैं। पुअर्स की अपनी समस्याएं हैं, रिच पीपल की अपनी समस्याएं हैं। इसीलिए मदर ने ये कहा, आई बिलीव वी नीड द पुअर एज मच एज दे नीड अस। वो भी हमारी सोसाइटी का एक अंग है गरीब, और हमें भी उनकी उतनी ही जरूरत है जितनी की उनको हमारी। नेक्स्ट, द वुमेन इन व्हाइट साड़ी विद ए ब्लू बॉर्डर, एक महिला जो ब्लू बॉर्डर और सफेद साड़ी में है, मदर टेरेसा, उन्होंने अपनी मृत्यु तक, उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उनकी अपनी कोई सेविंग्स नहीं थी। द वुमेन इन व्हाइट साड़ी विद अ ब्लू बॉर्डर मदर टेरेसा टिल हर डेथ हैड नो मनी नो प्रॉपर्टी नो सेविंग ऑफ हर ओन, उनकी अपनी कोई जागीर प्रॉपर्टी नहीं थी, ना कोई पैसा था उनकी मृत्यु तक उनके पास, बट हर रियल वेल्थ वॉज हिमालयन, लेकिन उनकी अपनी अपना जो धन था वो बहुत बड़ा था। हिमालयन हिमालयन वी सिंबलाइज विथ अ ग्रेट लॉट ऑफ, हिमालयन मतलब बहुत सारा, हम ये बताते हैं कि बट हर रियल वेल्थ वॉज हिमालयन इन साइज, उनकी जो असल पूंजी थी वो बहुत बड़ी थी। कैसे बहुत बड़ी थी? इन साइज 7,500 चिल्ड्रन इन 60 स्कूल्स, 60 स्कूल में 7,500 बच्चे थे, 9,60,000 पेशेंट्स थे हॉस्पिटल्स में, 2,013 डिस्पेंसरीज में, 4,700 विक्टम ऑफ लेप्रसी बोर्ड के मरीज थे, 4,700, 54 क्लिनिक्स के अंदर, और 1,600 अबेंडेंट और ऑर्फेंड चिल्ड्रन, 1,600 अनाथ बच्चे थे 20 घरों में ऑर्फेन होम में, और 3,400 डेस्टिट्यूट और डाइंग पीपल, 3,400 ऐसे लोग जो अपनी मौत के करीब थे 23 घरों में, 23 होम्स में, ऑल दिस इन 35 सिटीज। ये सब कहाँ था? और पूरे 35 शहरों में एंड टाउन्स इन इंडिया, इंडिया के विभिन्न शहरों और कस्बों में ये लोग थे, एंड इन डजन्स अदर कंट्री, और कई दर्जनों कंट्री में भी लोग इनके साथ जुड़े हुए थे। टुडे इवन दो शी इज नॉट विथ अस, इसके बावजूद कि आज वो हमारे साथ नहीं है एनी मोर, शी इज स्टिल लव्ड बाय द पुअर, उसके बावजूद भी वो आज भी गरीबों के द्वारा प्यार की जाती हैं, एंड नेग्लेक्टेड, और जिन्हें जो लोग जिन्हें लोग ध्यान नहीं देते, जिनकी तरफ जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीब हैं, दीनहीन लोग हैं, उन लोगों के द्वारा वो आज भी याद की जाती हैं, रेस्पेक्ट की जाती हैं, उन्हें इज्जत दी जाती है बाय द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, एडमायर्ड बाय द हिंदू मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस अलाइक, और सभी के द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम्स हो क्रिश्चियंस हो, फॉर हर लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू द पुअर दैट ट्रांसेंड्स ऑल बैरियर, उनकी पूरी जिंदगी भर जो उन्होंने गरीबों के लिए बिना किसी रुकावट को महसूस किए जो उन्होंने काम किया सबके लिए, उनके लिए उन्हें आज भी हर किसी के द्वारा याद किया जाता है, वो आज भी सभी के मन में बसती हैं। सो दिस वॉज योर चैप्टर द एंजल ऑफ पीस, शांति की दूत मदर टेरेसा। नाउ लेट अस सी सम ट्रू फॉल्स, आप मेरी हेल्प करेंगे। The children of charity home used to enjoy Christmas party every year. The children of charity home used to enjoy Christmas party every year. जो बच्चे थे charity home के, वो Christmas party को हर साल enjoy करते थे. This is true. True. द एनवलप कंटेन्ड न्यू 1,000 रुपीज नोट, जो एनवलप माता के पास आया था उसमें नए 1,000 के नोट थे। इज इट ट्रू? फॉल्स। फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू। कितने के नोट थे? 100। यस, 100 रुपीज नोट। नाउ मेनी टाइम्स द इनमेट ऑफ द चैरिटी होम हैड नो क्रिसमस पार्टी, कई बार चैरिटी होम में रहने वाले लोगों लोगों को कोई क्रिसमस पार्टी नहीं होती थी। दिस इज फॉल्स। फॉल्स।
मदर न्यू फ्रॉम वेयर द मनी वुड कम फॉर अ प्रोजेक्ट. माँ को ये मालूम होता था कि पैसा कहाँ से आएगा. अगर उन्हें कोई भी प्रोजेक्ट करना होता था, अगर कोई भी कार्य उनको आगे करना होता था, किसी किस्म का कदम उठाना होता था, लोगों की हेल्प के लिए कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता था, तो क्या उन्हें मालूम होता था पैसा कहाँ से आएगा? नो. द म्युनिसिपल अथॉरिटीज रिफ्यूज्ड टू प्रोवाइड हर अ प्लेस फॉर द पुअर. म्युनिसिपल अथॉरिटी ने गरीब लोगों के लिए उन्हें जगह देने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया. दिस इज फॉल्स. उन्हें निर्मल हृदय नाम की एक जगह उन्होंने बनाई काली टेम्पल के बाजू, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उन्हें अवेलेबल कराई, ताकि वहां पर जो लोग मर रहे हैं और बीमार हैं उनको इज्जत की मौत मिल सके. नाउ द नेक्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द मिशनरी ऑफ चैरिटी आर इंडियंस. कई सारे जो सदस्य थे मिशनरी ऑफ चैरिटी के, वो भारतीय थे. इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू. 26 लोग थे जिन्हें धीरे धीरे करके मदर ने भारतीय लोगों को अपने साथ मिशनरीज के जोड़ा और सेवा के कार्य में लगाया. द लास्ट वन इज मदर टेरेसा न्यू द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर. मदर टेरेसा गरीबों की महानता को जानती थी. इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन आंसर्स. How did the charity home celebrate Christmas every year? Charity home Christmas को हर साल कैसे मनाता था? वो बच्चों के लिए food arrange करते थे और simple way में best food बच्चों को provide किया जाता था. मैंने इसका answer आपके लिए बनाया है, but we will discuss question answers first. So let us come to the second question. What did the man hand over to the mother? आदमी ने माँ को क्या hand over किया? आदमी ने माँ को एक एनवलप हैंड ओवर किया जिसमें 100 रुपी नोट्स थे. व्हाट डज इट मीन बाय व्हेन द डोर बेल डिड नॉट रिंग. इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि इसका क्या अर्थ है व्हेन द डोर बेल डिड नॉट रिंग, जब दरवाजे की घंटी नहीं बजती. इसका मतलब ये होता था कि जब कोई सहायता माँ को नहीं पहुंच पाती थी, कोई आर्थिक सहायता माँ तक नहीं पहुंचती थी. ये इस फ्रेज का मतलब है, व्हेन द डोर बेल डिड नॉट रिंग. व्हाट डिड द एडमायरर से. एडमायरर ने क्या कहा? एडमायरर ने ये कहा कि माँ इस चीज का इंतजार नहीं करती कि पैसा कहाँ से आएगा, बल्कि वो कार्य करना आरंभ कर देती थी. व्हाट इज निर्मल हृदय. निर्मल हृदय क्या है? निर्मल हृदय वो स्थान है जो म्युनिसिपल अथॉरिटी ने माँ को प्रदान किया काली मंदिर के बाजू, ताकि वहां पर जो लोग बहुत अधिक बीमार हो चुके हों या मृतावस्था में हो, वो इज्जत की मौत वहां अपनी इज्जत का आखिरी समय, इज्जत की मौत का आखिरी समय बिता सके. व्हाट डिड मदर डू ऑन द स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता. माँ ने कलकत्ता की स्ट्रीट में क्या किया? माँ ने कलकत्ता की स्ट्रीट में लोगों को साफ सुथरा हाइजीन से रहना सिखाया. हाउ वॉज द मिशनरीज ऑफ चैरिटी फॉर्म. मिशनरीज ऑफ चैरिटी कैसे बना? मिशनरीज ऑफ चैरिटी लोगों का समूह था जो लोगों की हेल्प करने के लिए पुअर की और सिक लोगों की, लेप्रसी पीपल, डाइंग पीपल की हेल्प करने के लिए एक भारतीय यंग इंडियंस का एक ग्रुप फॉर्म हुआ, जिन लोगों ने लोगों की सेवा में अपना योगदान दिया. फाइंड आउट द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब मदर सिंप्लिसिटी. बताइए माँ की सिंप्लिसिटी बताने वाले कौन कौन से शब्द हैं. माँ की सिंप्लिसिटी बताने वाले ये शब्द हैं कि वो जो है ऐसी शॉल पहनती थी जो डार्न्ड होती थी इन स्पाइट ऑफ निटिंग. बुनी हुई शॉल की बजाय वो एक पेच वाली शॉल पहना करती थी. ये उनकी साधारणता, उनकी सिंप्लिसिटी को बताता है कि वो कितनी साधारण तरीके से, कितना सिंपल रहकर सेवा कार्य करना चाहती थी. व्हाट डिड शी वांट द पीपल टू नो अबाउट द पुअर. वो क्या चाहती थी कि लोग गरीबों के बारे में क्या जाने. वो ये चाहती थी कि लोग गरीबों के बारे में ये जाने कि गरीबों को भी हमारी उतनी ही जरूरत है जितनी कि हमें उनकी जरूरत है. वो उनकी
उनके ह्यूमर को, उनकी लोनलीनेस को, उनकी नीड्स को समझती थी और ये चाहती थी कि सभी उन्हें समझें। व्हाट वॉज मदर टेरेसाज रियल वेल्थ? मदर टेरेसा की सच्ची पूंजी क्या थी? मदर टेरेसा की सच्ची पूंजी उनके द्वारा किए गए कार्य थे जो उन्होंने लोगों के लिए करके छोड़ दिए। कई सारे हॉस्पिटल्स बनाए, कई सारे ऑर्फेनेजेस बनाए, जो यतीम और बेसहारा बच्चे थे उन लोगों के घर बनाए उन्होंने, लेप्रोसी होम बनाए और लोगों के लिए कार्य किया। यही उनका सच्चा, सच्ची वेल्थ, उनका सच्चा, उनकी सच्ची प्रॉपर्टी थी। हाउ डू पीपल रिमेंबर मदर टेरेसा? लोग मदर टेरेसा को कैसे रिमेंबर करते हैं? मदर टेरेसा, लोग पीपल रिमेंबर मदर टेरेसा फॉर हर सिंप्लिसिटी एंड हार्ड वर्क एंड फॉर द हेल्प ऑफ पुअर पीपल। सी, वी आर हैविंग आंसर्स फॉर यू। ये आंसर्स हैं आपके, आप ट्राई कीजिए कि आप अपने ऐसे अपने वर्ड्स में आंसर लिखें और इसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस आंसर का। स्टूडेंट प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, इट विल हेल्प यू टू मेक द नोट्स ऑफ योर क्वेश्चन आंसर्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी आपका बचा हुआ पार्ट है क्वेश्चन के आंसर का, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ये आपके नोट्स फॉर्म करने में आपकी हेल्प करेगा। नाउ कम टू द ग्रामर पोर्शन। ये सेंटेंस को रीराइट करना है आपको, इसमें वाक्यों को दोबारा लिखना है। एक एग्जाम्पल आपके लिए ऊपर दिया हुआ है। मदर टेरेसा सेड, मदर टेरेसा ने कहा, आई एम एंशियस फॉर पीपल टू नो ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ पुअर। मैं चाहती हूँ कि लोग गरीबों की महानता को समझें। इसको इसको एग्जाम्पल आपको देखिए कि सेंटेंस को कैसे रीराइट किया है। अगर आप इसे समझ गए तो बाकी सेंटेंस आसानी से बन जाएंगे। आपका जो इन्वर्टेड कॉमास है इन्हें हटाया गया है और कॉमा को भी हटाया गया है, और सेड के बाद आपको दैट लगाना है हमेशा, और इन्वर्टेड कॉमास को और कॉमा को हटा के लिखना है। तो ये एक सेंटेंस पूरा फ्लो में बन जाएगा। मदर टेरेसा सेड दैट, मदर टेरेसा ने कहा कि शी वॉज एंशियस फॉर पीपल टू नो द ग्रेटनेस ऑफ पुअर, कि वो ये चाहती हैं कि लोग गरीबों की महत्ता को, उनकी इंपॉर्टेंस को, उनकी ग्रेटनेस को समझ सकें। बस सेम इसी तरह सारे सेंटेंस हम करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, मदर टेरेसा सेड आई बिलीव वी नीड द पुअर एज मच एज दे नीड अस। मैं ये मानती हूं कि गरीबों को हमारी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि उन्हें हमारी। इसमें आप हमने इन्वर्टेड कॉमास हटाया, कॉमा हटाया और दैट लगा दिया। मदर टेरेसा सेड दैट शी बिलीव वी नीड द पुअर एज मच एज दे नीड अस। अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, शी सेड दे आर जस्ट एज हंग्री एज वी आर। उन्होंने कहा कि वो उतने ही भूखे हैं जितने कि हम हैं। इसमें भी हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटाया और कॉमा को हटाया सेड के बाद और दैट लगा दिया। देखो दैट लिखा हुआ दिख रहा है। शी सेड दैट दे आर जस्ट एज हंग्री एज वी आर। उन्होंने कहा कि वो उतने ही भूखे हैं जितने कि हम हैं। नाउ कम टू द थर्ड वन। एन एडमायरर सेड, एक एडमायरर ने कहा, शी हैज नो आइडिया वेयर द मनी विल कम फ्रॉम। उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा। द एडमायरर सेड दैट, इसमें भी हमने दैट जोड़ा है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाया है, कॉमा को हटाया है सेड के बाद और दैट लगा दिया है। एन एडमायरर सेड दैट शी हैड नो आइडिया वेयर द मनी वुड कम फ्रॉम। सिस्टर फ्रैंकलिन सेड, फोर्थ वाला सेंटेंस देखो, सिस्टर फ्रैंकलिन ने कहा, देयर इज अ रियल सेक्रीफाइस, दिस इज अ रियल सेक्रीफाइस। ये सच्ची सच्ची सेक्रीफाइस है, ये सच्चा जो है आप देना है, सच्चा सेक्रीफाइस है। तो मदर रिप्लाइड, माँ ने कहा नो। द सिस्टर फ्रैंकलिन सैड दैट, इसमें सैड दैट लगा और इन्वर्टेड कॉमास हटके दैट वॉज अ रियल सेक्रीफाइस हमने जोड़ दिया। ऐसे ही फिफ्थ में भी करेंगे। मदर रिप्लाइड, आई लव द पीपल ऑफ कोलकाता, मैं कोलकाता के लोगों से प्यार करती हूँ। तो इसका आंसर है मदर रिप्लाइड दैट, माने जवाब दिया कि शी लव द पीपल ऑफ कोलकाता, वो कोलकाता के लोगों से प्यार करती है। अब आपके पास कुछ लोगों के और चित्र हैं, द रिनाउंड पिक्चर ऑफ द रिनाउंड पीपल। लेट अस सी द नेक्स्ट वन।
आप इस पिक्चर को आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये हमारे पिता महात्मा गांधी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर है। इनके लिए आपके बुक में कुछ क्लूज दिए गए हैं जिनके ऊपर हमें कुछ सेंटेंस बनाने हैं। वो क्लू क्या है? फादर ऑफ नेशन, भारत के जो है पिता, हमारे राष्ट्र के पिता। नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस आप सभी समझते हैं, अहिंसा, ट्रुथ, सच्चाई, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, देश की स्वतंत्रता में इनका योगदान। इस पे हमें इन तीन चार पॉइंट्स पे, इन तीन चार क्लूज पे आपको कुछ सेंटेंस फॉर्म करने हैं। जैसे अभी हमने मदर टेरेसा की बहुत सी अच्छी बातें पढ़ी उनके बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, इसी तरीके से ये क्लूज हमारी मदद करेंगे कि हम उसे, अगर हम इसे डेवलप करते हैं तो हम महात्मा गांधी के बारे में भी इन इन क्लूज के ऊपर वर्क करके एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, महात्मा गांधी वॉज नोन एज फादर ऑफ नेशन बिकॉज ही हैज प्लेड अ बिग रोल इन बिल्डिंग एन इंडिपेंडेंट कंट्री। महात्मा गांधी ने, जो कि राष्ट्र के पिता कहलाते हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले किया, बिग रोल प्ले किया इन बिल्डिंग बनाने में, हमारे देश को स्वतंत्र बनाने में इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स को आपको यूज करना है और सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। धीरे धीरे इन सेंटेंस फॉर्मेशन की हेल्प से ही आप अपनी लैंग्वेज को एनरिच कर सकते हैं। ही बिलीव्स इन नॉन वायलेंस, वो अहिंसा में विश्वास करते थे। गांधी जी कॉल्ड इट सत्याग्रह, गांधी जी ने उसे सत्याग्रह कहा, विच मीन्स ट्रूथ फोर्स, सच्चाई की ताकत। इन दिस डॉक्ट्राइन, इस प्रिंसिपल पे उन्होंने ये कहा कि हम जिस व्यक्ति से हमारे मत भिन्न होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जहां पे हमारे लोगों से विचार में हम अलग होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उन लोगों के विचार को ही बदल देते हैं जो हमारे ओपोनेंट होते हैं, हमारे से, हमारे जो अपोज करने वाले लोग होते हैं, हम इस अहिंसा की मदद से उनके विचारों को ही बदल देते हैं। इस तरह से हम उनके जो है मस्तिष्क पे, उनके माइंड पे विजय हासिल करते हैं। एक विजय होती है लड़ाई करके, इंसान दूसरे के ऊपर विजय हासिल करता है, एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर लड़के विजय हासिल करता है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर विजय कब हासिल कर पाता है? जब वो उसके दिमाग को बदल देता है, जब वो उसकी सोच को बदल देता है। तो उनका कहना ये था कि ये जो नॉन वायलेंस है, सत्याग्रह है, इसमें हम अपने सामने वाले के सोच में परिवर्तन ला देते हैं और उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए मना लेते हैं, परसुएड कर लेते हैं। ही बिलीव्ड हिज लाइफ विथ सिंपली ही लिव्ड हिज लाइफ विथ सिंप्लिसिटी। अब इनकी भी एक विशेषता ये थी महात्मा गांधी की कि इन्होंने भी बहुत साधारण जिंदगी जी। आपने देखा होगा कि इनके वस्त्र कैसे होते थे, कितने कम वस्त्र ये पहनते थे, और इनके भी मन में बहुतों के लिए चिंता थी, अपने जनमानस के लिए वो चिंतित रहा करते थे। ही सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे बैक इन 1957, और उनकी सिंप्लिसिटी इस बात को साबित करती कि किस तरह से उन्हें उन्होंने 1957 की आजादी को सेलिब्रेट करने के लिए हमें मार्गदर्शित किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर, ये तो सभी लोग जानते हैं, मणिकर्णिका। यू पीपल मस्ट हैव सीन, यू पीपल मस्ट हैव हर्ड दिस नेम, सभी ने ये नाम सुना होगा। ये भी हमारे जो भारत की सबसे महान नेत्री रही हैं और एक बहुत ही कहना चाहिए लव्ड क्वीन प्रिंसेस रही हैं, इन्हें कौन नहीं जानता। मणिकर्णिका इज द क्वीन ऑफ झांसी, ये झांसी की रानी थी। शी इज वेरी ब्रेव एंड टैलेंटेड। इनके लिए भी हम एक क्लू दिए हैं ऊपर, आप देख सकते हो, ब्रेव, क्वीन, हॉर्स राइडिंग, ये तीन क्लू हमको दिए हैं। और चौथा क्लू क्या है? चौथा जो पॉइंट हमें दिया है, फॉट इंग्लिश मैन, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। अब हमें इन्हें डेवलप करना है, तो हम इन्हें ऐसे डेवलप कर सकते हैं जैसे कि नीचे दिया हुआ है। मणिकर्णिका इज द क्वीन ऑफ झांसी, मणिकर्णिका झांसी की रानी थी। शी इज वेरी ब्रेव एंड टैलेंटेड, वो बहुत ही ज्यादा बहादुर और टैलेंटेड थी। इन मे 1842, मई 1842 में शी वॉज मैरिड टू द महाराजा ऑफ झांसी, वो झांसी के महाराज से उनकी शादी हुई। उनका नाम गंगाधर राव नेवालकर था। आप चाहें तो इसे ऐड करें, चाहें तो ना करें, आप सिंपल लाइन भी बना सकते हैं, शी इज वेरी ब्रेव एंड टैलेंटेड। एक्चुअली इसे मेंशन करने की वजह है, क्या वजह है? एंड अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्रियन कल्चर, आफ्टर द मैरिज शी वॉज रीनेम्ड एंड कॉल्ड रानी लक्ष्मीबाई। कि महाराष्ट्रियन कल्चर के हिसाब से उनकी शादी के बाद इन्हें इनका नया नाम मिला, रानी लक्ष्मीबाई का।
ठीक है, ये आप सबको पता है, आप इसे डेवलप करने के लिए इन चीजों को आप इन्हें इसमें ऐड कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड दैट शी वॉज वेरी नाइस क्वीन, ऐसा बताया जाता है कि वो बहुत ही अच्छी रानी थी। शी वॉर्ड विद ब्रिटिश इंग्लिश मैन ब्रेवली, उन्होंने अंग्रेजों से बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी। सभी बच्चे महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहानी भी सुने होंगे, कविताएं भी सुने होंगे। हमारे सिलेबस में सीजी के महारानी लक्ष्मीबाई को लेके कविता भी है, जिसमें बताया गया कि उन्होंने अंग्रेजों से किस तरह से लोहा लिया, किस तरह से उन्होंने, जब उनकी राजगद्दी छीनी गई तो उन्होंने उसका अपोज किया, और कितनी बहादुरी से, कितनी ब्रेवली उन्होंने फाइट किया। तो ये ब्रेव वर्ड इसमें यूज में आता है। नाउ कम टू द थर्ड वन, उनकी हॉर्स राइडिंग के बारे में। उन्होंने बाकायदा शिक्षा ली थी लड़ने की भी और घुड़सवारी की भी, हॉर्स राइडिंग की भी। शी वॉज अ वेरी नाइस हॉर्स राइडर, बहुत अच्छा घुड़सवार थी वो। एंड हर हॉर्सेज वर वेरी फास्ट, उनके जो घोड़े थे बहुत ही चमकीले फुर्तीले थे। एंड मैलिग्नेंट, और जितने भी चोट खाते जाते थे उतने मजबूत होते जाते थे वो। इन द बैटल ऑफ झांसी, झांसी की लड़ाई में उन्होंने उसका खूब साथ दिया महारानी का। देवर ट्रू कंपेनियंस ऑफ लक्ष्मीबाई, वो लक्ष्मीबाई के सच्चे साथी थे। नाउ कम टू द लास्ट वन, अब हम आखिरी देख रहे हैं। ये है हमारे वेल नोन हीरो ऑफ अवर हिस्ट्री, शी इज कल्पना चावला। यू ऑल नो शी इज द फर्स्ट वुमेन स्पेस ट्रेवलर। वेरी इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट द यूनिवर्स, शी वॉन्ट टू यूज द इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेस फॉर ह्यूमन वेलफेयर। अब ये इंडियन ओरिजिन की हैं कल्पना चावला, लेकिन देखिए इनकी बहादुरी, इन्होंने अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, ये पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने स्पेस में कदम रखा, स्पेस स्टडी की, और उसमें जाने के लिए और उसकी स्टडी के लिए सोचा। उन्होंने 203 में, शी वॉज वन ऑफ द 7 क्रू मेंबर, 7 लोगों के क्रू में, 7 लोगों के समूह में वो भी एक थी जो 2003 में स्पेस में गई, और स्पेस शटलर कोलंबिया में ही वो उनकी डेथ हो गई। डिजास्टर व्हेन द स्पेस क्राफ्ट डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग इट्स री एंट्री इंटू अर्थ एटमोसफेयर, जब वो भारत के एटमोसफेयर में, अर्थ के एटमोसफेयर में, सॉरी अर्थ के एटमोसफेयर में, जब वो कोलंबिया स्पेस शटल वापस आ रहा था उसी समय इनका शटल डिसइंटीग्रेट हो गया और ये सारे लोग खत्म हो गए। लेकिन इन लोगों की बहादुरी देखिए कि जब तक ये वहां स्पेस में रहे, इन्होंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों तक भेजी, सो दैट इस इंफॉर्मेशन का यूज हमारे वैज्ञानिक कर सके। शी वॉन्टेड टू यूज इंफॉर्मेशन फॉर स्पेस फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ये उनकी चाह थी कि मानव की भलाई के लिए जो उनकी स्टडी है स्पेस की, और जो जो वो जाके ऊपर करेंगी स्पेस में वो उनके काम आए। दिस वॉज अ ग्रेट सक्सेस, और वो आज भी याद की जाती है कल्पना चावला। इसी तरह से आप अपने मन से भी 2-4 सेंटेंस कल्पना चावला के बारे में लिख सकते हैं। सो दिस वॉज योर चैप्टर, आई होप यू पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। गेट खोलो ना।